ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, टुडे वी विल सी ड्राइंग 3D इन 2D, यानी 3D शेप को हम 2D शेप में कैसे ड्रा करेंगे। तो वी नो दैट ऑल साइड्स हैव 3 डायमेंशंस, हम जानते हैं कि जितने भी सॉलिड फिगर्स होते हैं उनमें 3 विमाएँ होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कहते हैं। ए पेपर हैज़ ओनली 2 डायमेंशंस, एक पेपर जो होता है उसमें प्लेन सरफेस यदि है तो उसमें केवल 2 विमाएँ होंगी, 2 चीज़ें होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। तो ड्यू टू दिस व्हेन वी ड्रा ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑन इट ने 2 डायमेंशनल सरफेस, सम ऑफ द फेसेस एज एंड वर्टिसेस विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम डायरेक्ट व्यू आर हिडन। तो उस समय क्या होता है जब हम किसी 3D को 2D में बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे कुछ फेस होते हैं, कुछ एजेस किनारे होते हैं, वे कुछ सिराएं होती हैं, वर्टेक्सेस होती हैं जो सामने से नहीं दिखाई पड़ सकती हैं बट आर हिडन, लेकिन छिपी होती हैं। एंड सच एज आर टू बी सोन डॉटेड लाइन्स इन आवर ड्राइंग, और उनकी भी जो है हम डॉटेड लाइन से अपनी ड्राइंग में दिखाते हैं। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं जैसे आपकी एक एक्टिविटी 1 है, एक्टिविटी 2 है, तो ये सब ज़्यादातर का क्या आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो इसमें जैसे अगर इस शेप की बात करोगे जो क्यूबॉयड है तो इसमें ऊपर वाला जो है टॉप सरफेस होगा, सबसे नीचे जो है बॉटम सरफेस होगा, इधर का आपका राइट साइड प्लेन होगा, इधर जो आपका लेफ्ट साइड प्लेन होगा, और एक प्लेन आपको बैक साइड होगा सरफेस होगी, और एक सरफेस जो आपकी फ्रंट साइड होगी। तो इसको इस तरह से दिखा देंगे, बैक फेस, बॉटम फेस, फ्रंट फेस, फिर टॉप फेस, और आपके साइड फेस हैं यानी राइट साइड के या आपके लेफ्ट साइड के फेस हो जाएंगे। तो इन सबको आप बखूबी समझेंगे, एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं, तब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाएगी। तो इसी बेस पर अब हम एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। 19.2 के क्वेश्चंस जैसे आपका पहला है, मैच द नेट्स विथ अप्रोप्रिएट सॉलिड फिगर्स। तो जैसे आपका ए देख रहे हैं, इसका नेट क्या हो सकता है, इसका नेट आप देख रहे हैं ए होगा थर्ड वाला, क्योंकि इसको इस तरह से मोड़ा जा सकता है कि उसमें साइड फेस, बॉटम फेस, टॉप फेस, फ्रंट फेस और बैक फेस सब सेट किए जा सकते हैं। इसका आप इससे करेंगे, फिर इसका जो है आप देख रहे हैं इससे कर देंगे, और जो सबसे नीचे सिलेंडर है ये आप देख सकते हैं कि इधर इससे इसके नेट से मैचिंग कर देंगे। तो आप इसको अच्छे समझते हुए करेंगे। फिर आपका जो क्वेश्चन 2 है, आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक ए क्यूब, उस नेट्स को पहचानना है जिसको आप फोल्ड कर दें तो उससे एक क्यूब बन सकता है। यू मे कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट एंड ट्राइट, आप इसकी कॉपीज भी एक्टिविटी के रूप में कर सकते हैं, नकल करते हुए इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ बता दिया गया कि बी, सी और डी और ई ऐसे नेट्स हैं जिनको फोल्ड करके आप एक क्यूब का निर्माण कर सकेंगे। तो आप इससे एक्टिविटी पर भी कर सकेंगे। जो आप क्वेश्चन 3, 4, 5 हैं ये टोटली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको भी छोड़ दिया जा रहा है। ये आपको जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी उसमें सैटरडे के दिन जब एक्टिविटी कराई जाएगी तो उस दिन ये एक्टिविटी आपको मिल सकेगी। तो अभी आप 3, 4, 5 को एक्टिविटी के लिए छोड़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन 2 तक जो है आप अपनी फेयर कॉपी में विथ फिगर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ एनफ फॉर टुडे।